नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लब कचौड़ी के साथ मिर्च मसाले वाली सब्जी लेके आई हूँ। इसकी सामग्री इस प्रकार है। ये मैंने आलू और लौकी को धो के नमक हल्दी देके कुकर में उबाल लिया है। मैंने दो आलू और एक टुकड़ा लौकी लिया है। इसी प्रकार मैंने छोले को भी 2 घंटे भिगोकर इसे नमक हल्दी और बेकिंग सोडा डाल करके, खाने वाला सोडा डाल करके एक चुटकी इसे मैंने उबाल लिया है। मैंने टमाटर को धो करके मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बना लिया है। ये लगभग 3 से 4 टमाटर हैं। अब छौंक, पहले हम लेंगे सब्जी छौंकने के लिए 2 बड़े चम्मच ऑयल, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 हरी मिर्ची कटी हुई, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा छौंक के लिए, हींग छौंक के लिए, करी पत्ता छौंक के लिए और थोड़ा सा गरम मसाला। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी सब्जी कैसे तैयार होगी। अब मैं आपको गैस ऑन करके अपनी भाजी तैयार करने का तरीका बताऊंगी। सामग्री मैंने आपको पहले ही बता दी है। इसे कुछ देर के लिए गर्म होने देते हैं अच्छे से। इसमें 2 चम्मच के बराबर हम ऑयल डालेंगे। इसमें जीरा और राई का छौंक देंगे। अदरक पेस्ट 1 चम्मच, मैंने पहले से ही कद्दूकस किया है। दो हरी मिर्ची कटी हुई बारीक, हींग पाउडर, सूखे मेथी पत्ते, अब इसे हम चलाएंगे। जीरा ब्राउन होने तक हम इसे चलाएंगे। अब हमारा जीरा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम टमाटर प्यूरी डालेंगे जो हमने पहले से ही आपको सामग्री में बता दी है। बाकी मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा मसाला। अब इसे हम चलाएंगे। अब हमारा मसाला हम देखेंगे पकना शुरू हो गया है, ब्राउन होने लगे हैं टमाटर और इसमें से ऑयल छोड़ने लगा है टमाटर। इसे में पता चलता है कि हमारा मसाला अच्छा सिक गया है, इसका कलर चेंज हो गया है, ये ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें हमारे उबले हुए पहले से तैयार छोले डालेंगे और आलू और लौकी का उबला हुआ जो हमने रखा था वो डालेंगे। अब हम नमक डालेंगे स्वादानुसार। अब हम इसे फिर अच्छे से चलाएंगे, इसमें चारों तरफ मसाला लपेट लेंगे। आप देखेंगे कलर बहुत ही सुंदर आ रहा है, ग्रीन, येलो, रेड। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। कचौड़ी के साथ रस वाली सब्जी अच्छी लगती है दोस्तों, इसीलिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। दिखाओ,
देखें कितना सुंदर कलर आ गया है। अब ये इसे हम कुछ देर के लिए ढक देंगे ताकि इसमें अच्छे से ये पक जाए। अब हम क्लब कचौड़ी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिएगी उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। क्लब कचौड़ी बनाने का मेथड बताती हूँ। एक कप हम मैदा लेंगे, छोटा कप हम सूजी लेंगे, और ये मैंने उड़द की दाल सफेद को मैंने 2 घंटे पहले ही पानी में भिगो करके इसे मिक्सी में पीस लिया है। मैंने एक कटोरी छोटी वाली लिया ताकि मुझे 1 चम्मच से 2 चम्मच पेस्ट मिल सके उड़द दाल का। ये मैं आपको पहले से ही तैयार करके मैंने रखा था, अब मैं आपको इसमें मिला के दिखाऊंगी। इसी से हमारी क्लब कचौड़ी में टेस्ट आएगा, वो काफी सॉफ्ट बनेगा। नमक मैं लूंगी स्वादानुसार, थोड़ा सा गरम मसाला, बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा ऑयल, इस मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम अच्छी तरह से इस मिश्रण को मिला लेंगे। ऐसे तो इसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि हमारी दाल ही काफी मॉइस्ट होती है, परंतु थोड़ा थोड़ा अगर हमने पानी इसमें डाला, ऐड किया, अगर ज्यादा सूखापन हो तो हम इसमें पानी भी डाल सकते हैं। ये मैं लगातार इसको मिलाए जा रही हूँ, आप देखेंगे काफी टाइट हो रहा है। थोड़ा सा हमें पानी यूज करना पड़ेगा हाथों को गीला करने के लिए ताकि ये हमारा डो, इसमें सूजी है इसीलिए कोई बात नहीं, सूजी फूलती है, हमारा डो एकदम टाइट होना चाहिए। ये हमारा डो तैयार है। सेकेंड के लिए इसे हम लोग सेट होने देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब देखेंगे कि हमारी सब्जी कैसी बनी है। वाव, ये काफी ही अच्छी बनी है, इसमें से खुशबू आ रही है, इसका कलर देखिए दोस्तों। अब मैं आपको क्लब कचौड़ी को फ्राई करना बताऊंगी। ये हमारी सब्जी तैयार है, अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। इसमें हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दी है। अब हम डो लेंगे इधर, जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होती है हम डो को चेक करेंगे। ये अच्छे तरह से सेट हो गया है, अब ये हमारे हाथों में नहीं चिपक रहा है, इससे पता चलता है कि हमारा डो बहुत ही अच्छा है। हम इस तरीके से करेंगे और छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे, इसे फिर हम बाद में बेलेंगे और अपनी कचौड़ियां तैयार करेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है, गर्म होते ही हम उसमें ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल। इसी तरह हम कई छोटी छोटे लोइयां बना लेंगे। इसमें ऑयल डाल दिया है, इसे गरम होने देंगे। मैं यहाँ पे एक लोई ली है, मैं नेल के आपको दिखाती हूँ, फिर मैं इसे फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए चिपक नहीं रही है, ये काफी आसानी से ऊपर उड़ जा रही है, इससे पता चलता है हमारा डो काफी अच्छा है। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये हम देखेंगे हमारा ऑयल काफी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ये पूरी डाल रही हूँ। इसे
अच्छे से हिलाते रहेंगे जब तक कि ये फूल ना जाए। देखिए ये फूल गई है, हमारा ऑयल काफी गर्म हो गया है, इसे हम धीरे धीरे फ्राई करेंगे। देखिए कितनी सुंदर, देखिए हमने पूड़ियां तैयार की हैं कुछ। इसी तरह आप भी सभी पूड़ियों को अपना फ्राई कर लें। कलर बहुत ही सुंदर आया है, ये हमारी क्लब कचौड़ी और उसकी सब्जी तैयार है। आशा करती हूँ आप भी मेरी रेसिपी देख के अपने पास घर पे बनाएंगी और इसे जरूर इस्तेमाल करेंगी।